प्रदेश के अधिकांश जिलों में मॉनसून मेहरबान है। कल राजधानी जयपुर सहित सीकर, अजमेर, बूंदी, धौलपुर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में जमकर बारिश हुई। बूंदी जिले में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। इस सीजन में पहली बार कोटा बैराज के दो गेट 3-3 फीट खोलकर 7,400 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। इसके साथ ही धौलपुर में 112 mm बारिश दर्ज की गई। देखिए, इस मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में अब तक 94 mm औसत के अगेंस्ट में, यदि देखें तो 144 mm बारिश दर्ज हो चुकी है, यानी औसत से यह करीब 53% ज़्यादा इस मानसून सीजन में रिकॉर्ड बारिश हुई है। इसके अलावा जिलावार यदि देखें तो दो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं साउथ राजस्थान के, जो सिरोही और प्रतापगढ़, जहाँ पे औसत से कम बारिश रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा इस मैप में यदि देखें तो जो ग्रीन कलर में इंडिकेट किए हुए हैं, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे नॉर्मल बारिश हुई है, यानी औसत का प्लस और माइनस 19% की कैटेगरी को औसत में बताया गया है। तो ऐसे करीब 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे औसत बारिश हुई है। वहीं तीन डिस्ट्रिक्ट्स भरतपुर डिवीज़न के भी हैं जहाँ पे औसत बारिश रिकॉर्ड हुई है, और हनुमानगढ़ में भी औसत है। इसके अलावा यदि बाकी से सभी डिस्ट्रिक्ट्स की यदि बात करें तो ऐसे करीब 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे प्रदेश में जहाँ पे औसत से ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड हो चुकी है। वहीं पूर्वी राजस्थान में देखें तो कोटा और 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अब तक हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, और पश्चिमी राजस्थान में देखें तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे 257% औसत से ज़्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड हो चुका है। आने वाले दिनों में यदि बात करें तो फिलहाल एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, और एक और लो प्रेशर सिस्टम गुजरात और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर अगले 2-3 दिनों बाद बनने की संभावना है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में अभी भी रेनफॉल एक्टिविटी जारी रहेगी, हालांकि जो लाइट मॉडरेट रेनफॉल और कहीं कहीं भारी बारिश का जो दौर है वो साउथ राजस्थान के जिलों में ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा, यानी कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के जिलों में आप देखेंगे कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की